पहली सीरीज और पहली सीरीज में भी आईसीसी अवार्ड मिल जाना कैसा लगा? देखिए मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहीं से खेल रही हूँ और यहीं से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पर मैं एजुकेशन अपनी ले रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस टाइम पे मैं अब आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और ये इन्हीं कोच स्टाफ और हमारे क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोशिशों और उनकी जद्दोजहद है जिसकी वजह से उन्होंने लड़कियों को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया है कि वो स्पोर्ट्स खेलें आके यहाँ पे। अच्छा दुबा, ये बताएं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया, पहले ही डेब्यू करके और उसके बाद श्रीलंका सीरीज के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अब आगे का क्या प्लान है और इस अवार्ड को लेके कितना खुश हैं आप? देखिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक अचीवमेंट है पूरी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं इसको अपनी अचीवमेंट नहीं कहती, मैं पूरी इसको पाकिस्तान की अचीवमेंट बोलती हूँ, क्योंकि ये स्टार बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए क्योंकि बहुत टाइम बाद अचीव हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैंने आगे T20 में किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जितने आगे टूर्नामेंट्स और हमारी सीरीज़ हैं उसमें अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम लोग इसी तरह और अचीवमेंट्स अपने पाकिस्तान के लिए लेके आए। बेसिकली मैं शेन वॉन को बहुत ज़्यादा देखती आई हूँ और मैंने एज इन हर लेगी को देखा है, जो जो चीज़ मुझे अडॉप्ट करनी होती है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मैं वो चीज़ अडॉप्ट करती हूँ। और जैसे कि शादाब भाई की बात है तो वो अपने पाकिस्तान के लेजेंड हैं, तो बहुत कुछ सीखना है उनसे भी और सबसे। अच्छा तो बस सिर्फ लास्ट बता दें कि बॉलिंग तो आप बहुत अच्छी कर रही हैं, कोई बैटिंग के अंदर भी कुछ स्किल्स हैं आपकी, उसके ऊपर भी फोकस किया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए बॉलर ऑलराउंडर हूँ, तो इंशाल्लाह आगे चांस मिला तो ज़रूर ज़रूर आप लोगों के सामने आएगा। थैंक यू सो मच।